आज के टेक्नोलॉजिकल नॉलेज यानी टेक्नो में हम बात करेंगे हमारे आने वाले नए गिव अवे के बारे में, HTC के नए मिड रेंज स्मार्टफोन के बारे में, Realme 3 Pro के बारे में और भी बहुत कुछ। इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, आप गिज़्मो इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। Realme 3 Pro जल्द ही इंडिया में लॉन्च होने वाला है। Realme ने इसे कंफर्म किया है। ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा 22 अप्रैल को इंडिया में। जो इसके CEO है माधव सेठ, उन्होंने और भी कुछ रिवील कर दिया है अपने नए वीडियो में, जिसमें बताया गया है कि ये फोन आएगा स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर के साथ और इसमें हमें वूक चार्ज भी देखने मिलेगा। Realme 3 Pro आएगा ब्लू ग्रेडियंट फिनिश के साथ और अब तक के Realme के जितने भी स्मार्टफोन हैं उनके कंपैरिजन में Realme 3 Pro थोड़ा महंगा होगा। पबजी मोबाइल को लेकर इंडिया में बहुत दिनों से कहीं कोई अच्छी खबर आ नहीं रही है, सिर्फ बुरी खबर ही आ रही है। कहीं पबजी के लिए कोई मर्डर कर रहा है तो कोई चोरी कर रहा है और बहुत सारे पेरेंट्स ने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भी भेजा है कि पबजी को इंडिया में बैन किया जाए। इंडिया में तो पबजी बैन हुआ नहीं अभी तक, लेकिन नेपाल ने पबजी को बैन कर दिया है। नेपाल में अब से पबजी नहीं चलेगा। क्या नेपाल के इस डिसीजन के बाद क्या इंडिया भी पबजी को बैन करेगा या नहीं? आपको क्या लगता है, पबजी इंडिया में बैन होना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। HTC बहुत दिनों बाद एक बार फिर न्यूज़ में है। HTC का एक नया मिड रेंज स्मार्टफोन N22 बेंचमार्क में देखा गया है, जो चल रहा था स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर में, जिसमें साथ में देखा गया है 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज। ये स्मार्टफोन चल रहा था एंड्रॉइड 9.5 पर, जो आएगा HTC के खुद के UI सेंस UI के साथ। HTC का ये मिड रेंज स्मार्टफोन N22 बेंचमार्क में डिसेंट स्कोर अचीव किया है, जो स्कोर है 169,617, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर है। अब देखने वाली बात यह है कि HTC इस मिड रेंज स्मार्टफोन को कब तक लॉन्च करता है और इसकी प्राइसिंग क्या रखता है। Samsung जल्द ही अपना नया एंट्री लेवल स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम है Galaxy A2 Core। इसकी अभी एक नई स्पेसिफिकेशन लीक हुई है, जिसमें हमें देखने मिलता है कि फोन आएगा प्लास्टिक बॉडी के साथ। इसमें हमें देखने मिलेगा 5 इंच का HD स्क्रीन। ये स्मार्टफोन चलेगा Android 9 Pie Go एडिशन में और ये फोन में यूज किया गया है Exynos 7870 प्रोसेसर, जो आएगा साथ में 1GB रैम और 16GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। Galaxy A2 Core में हमें देखने मिलेगा 5MP का मेन कैमरा और 5MP का सेल्फी कैमरा। स्मार्टफोन आएगा 2600mAh बैटरी के साथ और ये स्मार्टफोन 3 कलर ऑप्शन में आएगा, रेड, डार्क ग्रे और ब्लू, और इसकी प्राइस इंडिया में एक्सपेक्टेड है 4,500 से 5,000 के आसपास। अगर आप सोच रहे हैं Huawei P30 Pro लेने के बारे में, तो आपको थोड़ा सावधानी से इसे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे डैमेज करते हो तो इसे रिपेयर करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। एक टेयर डाउन एक्सपर्ट है iFixit टीम, जिसने इसे टेयर डाउन किया है और उसने कंफर्म किया है इस फोन का डिज़ाइन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और इसे रिपेयर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाए इसे रिपेयर करने में। ओप्पो जल्दी ही अपने नए स्मार्टफोन ओप्पो रेनो का एक और प्रीमियम एडिशन लॉन्च करने वाला है, जो आएगा 5G कनेक्टिविटी के साथ। ओप्पो ने एक नया वीडियो रिवील किया है, जिसमें ओप्पो ने एक गेम डाउनलोड किया है जिसकी फाइल साइज लगभग 1GB थी और वो गेम डाउनलोड हो गया है सिर्फ 6 सेकंड में। ये फोन जल्दी ही हमें देखने मिल जाएगा। ओप्पो आने वाले महीने में ये स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाला है। आपको जल्दी ही हमारे चैनल में ओप्पो रेनो का एक हैंड्स ऑन वीडियो देखने मिलेगा और साथ में आपके लिए गिव अवे भी करेंगे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए गिज़्मो इंडिया YouTube चैनल को, क्योंकि आप इस गिव अवे को मिस नहीं करना चाहेंगे। Huawei ने अब तक P30 का DxO मार्क स्कोरिंग रिवील नहीं किया है, क्योंकि Huawei P30 और Huawei P30 Pro दोनों का ही DxO मार्क स्कोर सेम है। अगर वो रिवील कर देता है Huawei P30 का स्कोर, Huawei P30 Pro का सेल हो सकता है कि कम हो जाए, क्योंकि दोनों के प्राइसिंग में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आपको ज़्यादा पैसे पे करके भी सेम कैमरा मिलता है तो आप Huawei P30 Pro क्यों लेंगे? तो इससे ये बात निकल के आती है कि Huawei P30 भी इतना ही पावरफुल है जितना Huawei P30 Pro, तो Huawei P30 लेने में ही समझदारी होगी। Huawei ने अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है Huawei 8A Pro। Huawei 8A Pro एक मिड रेंज स्मार्टफोन है, जिसमें हमें देखने मिलेगा 6 इंच का HD डिस्प्ले, MediaTek का Helio P35 प्रोसेसर। ये स्मार्टफोन आता है 3GB रैम विद 64GB इंटरनल स्टोरेज। Huawei 8A Pro चलता है Android 9 Pie पर, EMUI 9 के साथ आता है। इस फोन में हमें देखने मिलेगा 13MP का सिंगल रेयर कैमरा और 8MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा। ये स्मार्टफोन में हमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने मिलेगा और ये स्मार्टफोन आता है 3020mAh बैटरी के साथ। अगर ये स्मार्टफोन इंडिया में भी लॉन्च होता है तो इसकी प्राइसिंग हो सकता है 14,000 से 15,000 के आसपास हो। अगर आपने अब तक गिज़्मो इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ओप्पो रेनो का एक गिव अवे भी आने वाला है और आप उसे मिस नहीं करना चाहेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे गिव अवे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें गिज़्मो इंडिया YouTube चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।